तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सुधांशु अग्रवाल और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और एक डिजिटल नेटवर्कर हूँ। ठीक है, और बहुत ही अच्छी टीम से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कि हम स्टूडेंट होके हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे न्यू वीडियो के। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और एक कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा, जिससे क्या है कि हमको भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज ए स्टूडेंट जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हो, तो आपको मेन तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप स्टूडेंट हो और आपको क्या है कि एक टाइम होना चाहिए कि आप अपनी स्टडीज़ को और जो आपका बिजनेस है उसको भी आप मैनेज करो। आपको पता ही होना चाहिए कि देखो, फॉरएवर कोई जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है, ठीक है, एक बिज़नेस कंसेप्ट है, ऑनलाइन बिज़नेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे है ना ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ना एज की क्वालिफिकेशन होती है, ना कोई भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है, तो ये हर कोई है ना इजीली है ना इस बिज़नेस को कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या है कि पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक स्टूडेंट हो आप फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जब आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टडी के साथ अपने ना जो बिज़नेस है उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल आपको बनाना होगा, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में है ना जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको रीड करना होगा, ठीक है, ताकि क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज पता लग जाए कि अगर मैं इस कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे इन द फ्यूचर मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरीके से ये मेरे को बेनिफिट दे सकता है, सब कुछ आपको ए टू जेड आपको पता कर लेना है। चाहे आप इसके कंपनी वेबसाइट में आप जाके विजिट कर सकते, मेरे से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो। और तीसरी बात है कि जब आप फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अपनी जो आप जिस आप टीम के साथ सेलेक्ट होने वाले हो, जिस टीम के साथ आप एलोकेट होने वाले हो, उस टीम की प्रैक्टिसेस कैसी है, मीन्स आप वो जो टीम है वो कैसे वर्क कर रही है, उसका वर्क एथिक्स क्या है, ठीक है, एथिक्स इन द सेंस कि एथिक्स मतलब उसके जो वर्किंग कल्चर है, मतलब वो किस तरीके से वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि देखो है ना, जो फॉरएवर है उसमें बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं जो क्या है कि बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन आपको किस टीम में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको इतना पता नहीं है, ठीक है, आप मीन्स आप आए हो ओनली पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ एक है ना अर्निंग सोर्स है ना क्रिएट कर पाओ, ताकि क्या है कि आप पढ़ाई के साथ साथ है ना आपको मीन्स आपको घर वालों से खर्चा ना मांगना पड़े, ठीक है। तो आप है ना इसी वजह से आए हो इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस में, ठीक है, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कर सकते हो अपने पार्ट टाइम में, लेकिन आपको मेन तो है कि आपको टीम सेलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप टीम के साथ वर्क करो। अगर आपका टीम अच्छा नहीं है, अगर आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, तो आप इस बिजनेस में नहीं ग्रो कर सकते। तो देखो, इसके लिए है ना मेन सोर्स ये है कि आपको अपनी टीम को सेलेक्ट करना होगा, अपने अपलाइन को देखना होगा, ठीक है, किस तरीके से है ना उनका वो जो वर्क है वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसका आपको एक है ना आपको चेक करना होगा, ठीक है, वेरीफाई करना होगा, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करना होगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीम है जो क्या है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको ज्वाइन करा लेते हैं, आपसे प्रोडक्ट्स है ना ऑर्डर करवा लेते हैं, ठीक है, कुछ बिलिंग करवा के, 1500 की बिलिंग करवा के, या फिर आपको 198 का चार्जेस आपको बोलते हैं क्लास के लिए, ठीक है, आप इस क्लास को विजिट करके आप है ना यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो है ना ये चीज़ है ना कहीं क्या है कि ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, ठीक है, फॉरएवर की पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पॉलिसी चेक कर सकते हो, ठीक है, मैं आगे इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फॉरएवर की पॉलिसीज में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यही मेरा सजेशन है अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करो एज ए स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कर रहे हो। बाकी आपको जय श्री राम।